अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से उसे पूरा करने की मांग की। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी समन्वय समिति के जिला सचिव ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। समिति सचिव ने सरकार को मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों का समर्थन किया है। जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक दिवसीय समस्त अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों के एक दिवसीय धरना पर चौहानपाटा में 20 सूत्री जो हमारी मांगे हैं, मैं उसको मांग नहीं कहूंगा क्योंकि पूर्व में हमको वो सुविधाएं मिलती थी, वर्तमान में सरकार द्वारा वो हमसे हटा दी गई हैं। आए दिन कोई ऐसे निर्णय नहीं ले रही है सरकार जिससे जो है कर्मचारी अधिकारी और शिक्षकों को जो है लाभान्वित करे। आए दिन उनके जो हितों को पर कुठाराघात किया जा रहा है और वर्तमान में जो डाउनग्रेड वेतन की जो है लागू करने की नीति है वो भी हम उसके प्रत्यक्ष में यहाँ पर धरना है और पुरानी पेंशन लागू और सिद्धिकरण अन्य जो 20 सूत्री मांगे हैं वो जो है पूर्व में हमको लागू होती थी और वर्तमान में उनको हटाते जा रही सरकार और आने वाला बहुत सी आने वाला हमारा हमारी पीढ़ी का क्या होगा इस